नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ आपको इंडिपेंडेंस के आसपास यानी कि 15 अगस्त के आसपास यहाँ ज़रूर आना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि हमारे जवानों ने क्या कुछ नहीं किया इस देश के लिए। बेशक आज हम बहुत सारी चीज़ें सुनने और देखने में मिल रही हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत लोगों ने अपने आप को शहीद किया है, बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन आज हम इस तरह के माहौल को देख रहे हैं मणिपुर जैसे और नू जैसे हरियाणा में जो हो रहा है, या और दूसरे प्रदेशों में जो हो रहा है जैसे राजस्थान में या और स्टेट्स के अंदर जाति धर्म के नाम पर जो झगड़े हो रहे हैं उनकी अगर हम सोचें तो सोचिए कि जिन लोगों ने बलिदान दिया होगा उन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी, उनके परिवार के लोगों के ऊपर क्या बीती होगी कि आज हम आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं। इस बलिदान में हर धर्म हर जाति के लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया है, और आज हम लड़ रहे हैं आपस में उसी धर्म और जाति को बेस बनाकर। तो मेरी उम्मीद तो कायम है कि ये सब ठीक होगा, लेकिन ये तभी ठीक होगा जब हम इसको ठीक रखेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ आप नेताओं के झांसे में ना आए और अपनी शांति खुद बनाएं, और तभी देश तरक्की कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जहां आपको महसूस होगा कि इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उन लोगों ने कितना बलिदान किया है। और इस वीडियो सकते हैं, लेकिन हमें एकता बना के रखनी है, और इसीलिए मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जहां आपको ये समझ में आएगा कि ये आज़ादी हमें कितनी मुश्किल से मिली है, किन किन लोगों ने हमारे इस आज़ादी में बलिदान दिया है। जिन तस्वीरों को भी आपने देखा है, ये वो सैनिक हैं जिन्होंने अपनी जान नछावर की थी आज़ादी को बनाए रखने के लिए। यही हैं वो आज़ादी के महान वीर जिन्होंने इस देश को आज़ाद बनाए रखा है। इस सब के सब जो थे परमवीर चक्र जिन्हें मिला है वो हैं, कुछ को उनके मरणोपरांत मिला है, कुछ को उनके साथ ही साथ मिला था। लेकिन आप ये मान के चलिए कि यहाँ अगर आप आएंगे तो वाकई हम सच्चे मन से इन लोगों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इंडिपेंडेंस जैसे डे के से बेहतर क्या दिन हो सकता है जब हम यहाँ आकर इन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। तो यहाँ ये बहुत ही बेहतरीन जगह है, ये जगह है इंडिया गेट के पास, नेशनल वॉर म्यूज़ियम के साथ ही लगा हुआ है। ये परमवीर चक्र के लिए विशेष तौर से जिन लोगों को मिला था उन ये स्थान बनाया गया है। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो एक बार यहाँ जरूर आएंगे और अपने श्रद्धा सुमन इनको अर्पित करेंगे। आओ मैं अब आपको लेके चलता हूँ एक और बेहतरीन जगह जो इंडिपेंडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ये है नेशनल वॉर मेमोरियल। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था इसमें, और आज मैं दोबारा आया हूँ 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की है इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए, और हमारी ड्यूटीज़ क्या बनती हैं वो सब आपको यहाँ महसूस होगा। आज हालात थोड़े ख़राब हैं, अगर हम देखें जगह जगह स्टेट्स में बहुत कुछ हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम लोगों का जो आम लोग हैं, हमारी ड्यूटीज़ बनती है कि हम अपने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते वक्त इस तरह के मैसेज लोगों तक पहुंचाएं कि शांति बनी रहे, हर धर्म हर जाति यहां पर अपना विकास में अपना सहयोग दे सके। ऐसी उम्मीदों के साथ ही मैं यहां पर आया हूं आज, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। आओ चलो मैं लेके चलता हूँ नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ, और उसके बारे में आपको वहीं चल के बताऊंगा। दोस्तों, ये स्टैचू अगर आप देख रहे हैं तो आप समझिए कि ये स्टैचू है सुभाष चंद्र बोस जी का, जो अभी हाल ही में ही इसको एस्टैब्लिश किया गया है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टैचू बनाया गया है। ये इंडिया गेट और वॉर मेमोरियल के बीच में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। बहुत अच्छा है, आपको नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में।
दोस्तों यही वीर योद्धा हैं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई है, और हमें सशत नमन करना चाहिए इन लोगों को जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है। हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, हमें भी इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, ख़ासकर शांति बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। हैं ये इंडिया गेट है, इसके चर्च सामने ये सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई गई है। दोस्तों वो देख रहे हैं सामने, जो सामने इंडिया गेट के बीच में से आप देख रहे हैं वो राष्ट्रपति भवन है। तो अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आप तीनों चारों चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंडिया गेट, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ। तो चलो आपको दिखाते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। दोस्तों वो सामने जो देख रहे हैं वो अमर चक्र है। यहाँ पर जो शहीद हुए परिवार से जो लोग आते हैं वहाँ उनके शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। अमर ज्योति है ये, मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। यहाँ हर रोज़ एक शहीद परिवार के किसी एक सदस्य को बुलाया जाता है और उस शहीद परिवार के सदस्य को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। चक्र ये यहाँ पर डेली होता क्या है कि यहाँ पर डेली शहीद परिवारों में से किसी एक परिवार को बुलाया जाता है और उस परिवार के शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। ये भाव और ये दुनिया का शायद एक लौता ऐसा देश होगा जहाँ सैनिकों को इतनी प्राथमिकता दी जाती है, उनके परिवारों को इतनी प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों आप यहाँ पर शाम को यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आप देखेंगे। यहाँ पर परेड होती है, यहाँ पर डेली सम्मान दिया जाता है, लाइटिंग होती है, बहुत ही बेहतरीन लगता है यहाँ पर। आपको आना चाहिए, 15 अगस्त जैसे ओकेशन के लिए ये जगह बेहतर है, बहुत अच्छी है, इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। दोस्तों देख रहे हैं कितना ये खूबसूरत है ये। तो दोस्तों ये हैं वो सैनिक जिन्होंने इस देश की आजादी को बनाए रखा है। अगर आप यहां देखेंगे, यहां पर जो नाम गुदे हुए हैं सुनहरे अक्षरों में, आप देखेंगे कि ये जो नाम है ये किसी जाति धर्म या विशेष को प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये देश को प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज के माहौल में जबकि ये सब चीज़ें हम देखने को मिल रही है कि धर्म और जाति के नाम पे इतना कुछ हो रहा है, तो आज हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग ऐसी जगहों पर जाकर हम अपने देश को शक्ति प्रदान करें और ऐसे लोगों का खंडन करें जो देश में अराजकता फैलाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। इन लोगों ने, ये आप देख रहे हैं पूरी लिस्ट है, यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट है। यहाँ पर आपको हिंदू, यहाँ पर आपको मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलेंगे यहाँ पर, सबके नाम यहाँ गुथे हुए हैं। आप देखें यहाँ चारों तरफ, ये आप देख रहे हैं कितने ही लोगों ने यहाँ पर, ये आप नंबर्स देखिए आप, 10,308 ये नंबर देखिए, ये आप देख रहे हैं नंबर्स, कितने ही लोगों ने यहाँ पर अपनी बलिदान दिया है इस देश को बनाए रखने के लिए। लेकिन सिचुएशंस ख़राब होती हैं लेकिन उसको संभाला जा सकता है। तो दोस्तों मेरी उम्मीदें हमेशा बनी रहती हैं
और मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरी ही बात से सहमत होंगे कि इस देश को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, खासकर धर्म और जाति के नाम पर। ये देखो झंडे कितने मुस्कुरा रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये झंडा। चारों के चारों हमारे देश के अलग अलग सेनाओं को, प्रतीक को समर्पित हैं। आप देखें यहाँ पर। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए हैं, अब मेरा टारगेट है 4000 आवाज़ करना, उसे आप ही करा सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे इस वीडियो को, उतनी ज़्यादा मेरे पास रीच पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा मैं लोगों तक पहुँच पाऊँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यहाँ पर आप सुवेनियर ले सकते हैं जो आज़ादी से जुड़े हुए सैनिकों और उनकी बुक्स और बहुत कुछ है। मैं चलो अंदर से दिखाता हूँ कैसी है। इससे बेहतर नज़ारा क्या हो सकता है एक इंडिपेंडेंट देश के लिए, जो अपने ही देश के झंडे को इतनी खूबसूरती से लहरा सकता है। सोचिए जो देश इंडिपेंडेंट नहीं है आज भी, उन लोगों का क्या होता होगा। आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।